कलपुर सदर एसडीपीओ के निर्देश पर नाथनगर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में श्रीरामपुर मौजा के 1 एकड़ 65 डिसिमल पुरानी प्रति जमीन पर लगे 70 आम के फलदार पेड़ पर आम तोड़ने को लेकर मजिस्ट्रेट की निगरानी में नाथनगर थाना पुलिस की टीम पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और स्थानीय लोगों के ने कहा कि हम लोगों का पुस्तैनी बगीचा है, जो रसीद नहीं कटने पर बगीचा बिहार सरकार का हो गया है, जिसको लेकर टाइटल सूट किया गया है और इसी माह के 8 तारीख की सुनवाई है। अस्थाई सुधीन कुमार ने बताया कि मनसुगोप खंदर मंडल और बालदेव मंडल के नाम से जमीन है, जिसमें 38 परिवार शामिल है, लेकिन मंगलवार के दिन नाथनगर सीओ सस्मिता झा के नेतृत्व में बगीचे के आम के फल का प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक तोड़ लिया गया है। वहीं नाथनगर सीओ अस्मिता कुमारी ने बताया कि सदर एसडीओ के आदेश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती में आम के फल को तोड़ा गया है, जिसके बाद बुधवार को टीम गठित करने की निगरानी में आम का फल मूल्यांकन दर पर फल का नियमानुसार नीलामी की जाएगी। इस दौरान नाथनगर अंचल के राजस्व कर्मचारी बीना कुमारी, नाथनगर थाना के SI प्रतिमा कुमारी और दिव्या कुमारी के साथ 2 बरजा पुलिस मौके पर मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से बाल मुकुंद कुमार की रिपोर्ट। नहीं पता है क्या मामला है, बस बोला गया कि हाँ सरकारी जमीन पे माफी हुआ है, पिलर हुआ है, उस वक्त नहीं पता चला था कि सरकारी जमीन है। पिलर नहीं हुआ, पिलर कैसे गड़ा हुआ जब नहीं हुआ है? उस साइड का है, उस साइड वाले का है। सरकारी बिना माफी किए हुए सरकारी ये बन गया, सरकारी जमीन तभी नहीं बना है। मैडम ये सरकारी जमीन पे कितना पेड़ लगा हुआ है? हमका पेड़ कितना है लेकिन हमको नहीं पता है, लेकिन है इतना दूर इधर सरकारी जमीन है, जो पिलर की इधर जो सरकारी जमीन है। आज क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? वही सरकारी जमीन पे जो पेड़ है उसका आम तोड़ा जा रहा है। तीन लोग अभी आधा से ज्यादा सारा पेड़ का तो तोड़ ही लिए, बस एक ही दो पेड़ का बचा हुआ है, तो हम लोग को बोला है कि जो बचा हुआ है उसको तोड़ लीजिए। तीन लोग आके यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। कितना लोग ये अवैध कब्जा किया बता बगीचे में? अब कितना लोग का है वो तो डॉक्यूमेंट देखने पर पता चलेगा, मौखिक रूप से कहा जाता है कि इसका ना लंबित मामला कोर्ट में चल रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? नाम क्या बाबा? मेरा बीना नाम है। क्या है? राजस्व कर्मचारी। विवाद है कि सर ये जो है जमीन जो है हमारा खरीदारी है 1943 का, और पेड़ यार लगाए हैं, आम का वृक्ष है और आम का जो है पेड़ भी काट दिया 14 गो उधर काट के जो है कहाँ चला गया वो भी पता नहीं है। कब कटा है? ये कटा है 20 याद नहीं है, यानी कि हो गया 5-6 महीना हो गया, जनवरी लगा रही है। वही 5-6 महीना वही तो बोल अभी क्या विवाद चल रहा है? अभी विवाद आम का जो है ना लगा हुआ है आम, उसको हम तोड़ रहे थे लेकिन प्रशासन आके जोर जबरदस्ती आम का पेड़ जो है ना सब आम ढा दिया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला, कोई बोला तब हम लोग आए यहाँ तो देखे पूरा आम बिखरा हुआ है। किनका बगीचा है? ये है उत्तम राय है, गरीब मंडल है, मनसु गोप अरे बाबूलाल राय, 30 आदमी का हाँ। कौन तो बात बात रही हाँ। मनसु यादव और बालदेव खंतर और मनसु, ये तीनों हो गया, उसका परिजन और है। नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार राय हुआ। टोटल कितना आम का पेड़ है यहाँ पे? टोटल है 50 50 से ऊपर होगा। कितना एकड़ में लगा हुआ है ये? 1 एकड़ 65 डिसमिल है। जगह कौन है? जगह श्रीरामपुर है।